बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में प्रदेश की आवाज़ जो कि अपदेश की आवाज़ से चल रही है, खुशाबदीद कहते हैं आपको। और आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही मेरे करीबी दोस्त उस्ताद और गो टू द मैन, मैन को बोलता कि मेरे लिए हैं। और अक्सर मेरे जो जितने भी मेरे खास दोस्त यार हैं उनको ज़रूर जानते होंगे, ये बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर नेमी, जिनको हम टीका भी कहते हैं लाख में। तो इससे सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और टीम में बहुत शुक्रिया आप सब। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएँ आपकी सेहत शेहत ठीक है और कैसा चल रहा है आपका सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, बहुत ही मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई मिर्ज़ा अब्दुल क़दीर साहब ने, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दुनिया और आखिर में तरक्की अता फरमाए और सुनने वाले को अल्लाह तमाम को खैर बरकतों से मालामाल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बहुत शुक्रिया जी आप साहब। एक तो ये है कि जब भी आप मेरा गांव का चक्कर लगता है तो मेरी जो कोशिश होती है कि इनसे ज़रूर मुलाकात हो, और ये भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और क्योंकि मैं मोस्टली आज कल पाकिस्तान में नहीं होता तो कॉल पे या मैसेज पे इनके साथ मुसलसल रहता रहता है, तो क्योंकि ये हम साथ हमारे साथ मौजूद है तो क्यों ना हम से इनकी जिंदगी का फ़ायदा उठाए और उनसे कुछ दीनी मसाइल शरीयत के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की जाए जो कि आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद होगी। तो आप साहब जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ज़रा बताइएगा कि ये जो एज फैक्टर होता है उसमें हर ज़ाहिर है कि हर इंसान और हर मुसलमान ने मिलाकर एक खास एज के बाद अपनी बुढ़ापे की तरफ जाना होता है, और बुढ़ापे की एज में अक्सर देखा गया कि एक आजमाइश वाला वक्त होता है और उसमें ना सिर्फ उस बंदे के लिए जो बुढ़ापे में चला जाता है बीमारी की हालत होती है और प्लस उसकी जो औलाद होती है उसके लिए भी आजमाइश का एक मौका होता है। तो क्या इस सिचुएशन में इस मौके पर जो है ना वो चीज़ें जो है ना औलाद को भी देखनी चाहिए और एक साथ जो उनका वालद है वालदा है जो भी बुजुर्ग है उसको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल किया आपने, औलाद की बल्कि ज़िम्मेदारी है। कुरान करीम में हम रब्बे कायनात लम्हे दुआ से कही कि रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब इंसान हालत बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो यूँ दुआ मांगा करे। और बंदे मोमिन को मांगनी चाहिए रब ने तरीका सिखाया कि अल्लाह मेरे दोनों वालदैन पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन ने इन पर मिलकर मेहरबानी की थी। तो हालत बीमारी के अंदर बहुत बड़ा जो सवाब है, अता के हदीस में आता है बंदे मोमिन को कांटा भी चुप जाए तो जितनी देर उसको तकलीफ रहती है अल्लाह इतनी देर उसकी सवाए तो गुनाहों को माफ़ करना है। ज़ाहिर बात है जब बुढ़ापे के अंदर इंसान पहुंच जाता है, हदीस मुबारका में मुख्तलिफ़ दर्जात हैं बुढ़ापे के तबास, अगर इंसान 40 साल का पहुँचता है तो बुलूगत की इंतहा को पहुँचता है, जब 60 साल का हो जाए अल्लाह उसके लिए आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है, जब 70 साल के लिए उम्र पहुँच जाए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता बंदे मोमिन से प्यार और मोहब्बत करना शुरू हो जाए, जब 80 साल के करीब इंसान पहुँचता है अब उस वक़्त बंदे का जो ऐसी मराहल पर पहुँच जाता है इस जिसको अर्ज़ उम्र कुरान का निकम्बी उम्र बुढ़ापे को दूसरों का मोहताज हो जाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि अब इसके तुम गुनाह लिखना छोड़ो, अब इसके तुम नेकियों को 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा कर रखा। और ईमान की हालत में जिस बंदे मोमिन के बाल फेल हो जाए अल्लाह की नूरानी ज़ात और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला खुद रब्बे कायनात की ज़ात बंदे मोमिन से नया महसूस करती है कि ईमान की हालत में बंदे मोमिन के जब बाल फेल हो जाते हैं खुद अंदाज़ा लगा जब बाल सफ़ेद होने से अल्लाह हया फरमाता है और फरिश्ते हया करते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बंदे मोमिन के गुनाहों को नहीं लिखा जाता और गुना नेकियों को 70 गुना 10 गुना 70 गुना ज़्यादा बढ़ा कर लिखा जाता है, बहुत बड़ा अजर सवाब होगा। और इसी के बारे में अल्लाह के महबूब ने शाह फरमाया तो इस हालत में अपने वालदैन की शुक्रगुजारी करता है, प्यार और मोहब्बत की निगाह से वालदैन को देखता है, अल्लाह जी मकबूल का भी सवाब अता फरमाता है, अल्लाह उसके सदक़े बंदे मोमिन के सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमाता है जो बीमार की आदत करता है जो उसकी खिदमत गुजारी करता है। नाज़रीन जी आपने सुना कि
कितनी फजीलत वाली बात है औलाद के लिए भी कि एक ख़ास एज के बाद अगर आपको मौका मिलता है अपने वालदैन की खिदमत करने का तो इसको गनीमत समझें और इसको हाथ से जाने मत दें। और इसी तरह आप भी अगर बुजुर्ग हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी एक मौका होता है कि अल्लाह ताला ने खुसूसी जिस तरह साहब ने कहा कि 60 साल या 70 साल के बाद उनके गुनाह अगर बीमारी की हालत में तो उनके गुनाह चढ़ते रहते हैं और ज़ाहिर है कि जिस तरह ने ये भी कहा कि 10 गुना ज़्यादा जो है वो अच्छा जो स्वाब मिलता है तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है कि आपको अल्लाह ताला ने दराज उम्र दी और उसमें फिर अगर आपको कहीं आजमाइश में डाला तो कहीं ना कहीं साथ आपकी कंपनसेशन होती रहती है लेकिन उसको तो इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैं मोहतरम जनाब हाफिज़ साहब का और इनसे आगे भी इंशाल्लाह बातचीत का सिलसिला रहेगा कुछ पूरी दीनी और शरीफ मसायल को भी जो आपकी खिदमत में हम जरूर इंतज़ार पेश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा और अब आप